भी चाहिए तो मंगाओ चेयर। नहीं नहीं एक चेयर देना उधर से उठा के जल्दी इसको बैठ कर लेगा। मेरा नाम विवेक गोम्बर है। मैंने ये फिल्म कोर्ट प्रोड्यूस की है और इसमें आपके किरदार की बात करें। हाँ जी जी, फिल्म का नाम है कोर्ट। ये इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था वेनिस 2014 में सितंबर 4 को। उसके बाद सितंबर 6 को इसको दो बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले वेनिस में, लाइन ऑफ द फ्यूचर और बेस्ट फिल्म ऑरिजोंटी कॉम्पिटिशन में। और उसके बाद फिल्म आज तक 18 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत चुकी है और पिछले हफ्ते इसको नेशनल अवार्ड की भी मिला है एज फॉर द बेस्ट फिल्म ऑफ इंडिया इन ऑल लैंग्वेजेस। और फिल्म में मैं एक लॉयर का रोल प्ले कर रहा हूँ। लॉयर का नाम है विनय वोरा, वो एक गुजराती मानस है जो हमारे दूसरे कैरेक्टर हैं नारायण कामरे जो एक लोक शायर हैं उनका केस लड़ रहा है और डिफेंस लॉयर का पार्ट प्ले कर रहा है। अगर एक लाइन में बताएं तो ये एक 65 साल का लोक शायर है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि काम करने वाला एक मजदूर है जिसकी सुसाइड हो गई है। और उसके ये जो लोक शायर है ये अपने गाने में कुछ लाइनें गाते हैं और उस एक गाने में उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिर्फ एक यही चारा रह गया है कि जिस गटर में जाके हम सब साफ करते हैं कचरा उसी गटर में जाके डूब जाने के लिए, अब इसके सिवाय हमारे पास कोई और चारा नहीं है। ये गाना सुन के एक मैन होल वर्कर जो स्वेज में काम करते हैं वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं और पुलिस का ये मानना है कि इस गाने की वजह से ये हुआ है तो उनके ऊपर एक अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज लगा दिया जाता है। और इसी तरह फिर ये केस लोअर सेशन लोअर कोर्ट्स मुंबई में जाता है और थ्रू द केस हम जो जज है जो लॉयर्स है उनकी पर्सनल लाइफ में भी जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। सर ये अपने आप से लीड से आपकी काफी स्टोरी है, इसमें बहुत ही कम फिल्में आई हैं और कितनी खुशी है अवार्ड मिलने की? अवार्ड मिल के बहुत खुशी है, हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और बहुत सरप्राइज हैं कि इतना बड़ा अवार्ड मिला। 1, 2, 3 नहीं 18 इंटरनेशनल अवार्ड मिल गए लेकिन नेशनल अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है और हमें तो बहुत खुशी है। और हम सोच रहे हैं कि इस अवार्ड के थ्रू जो स्पॉटलाइट फिल्म पे आएगी उसकी मदद होगी हमें। अभी 17 अप्रैल को फिल्म रिलीज़ हो रही है इंडिया में नेशन वाइड, तो बस यही चाहेंगे कि लोग फिल्म के बारे में और जानें और आके देखें और सपोर्ट करें। सर सभी के लिए मील का पत्थर है, हीरो हीरोइन आपके लिए कितना बड़ी बात करें? हमारे फिल्म में एक्चुअली बम्बई ही फिल्म का हीरो है और कोर्ट और जो सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं वो है हीरो और जो फिल्म की कहानी है मैं सोचता हूँ वो हीरो है। बाकी हमारी फिल्म में बहुत ऐसे अननोन फेसेस भी हैं, बहुत नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स हमने यूज़ किए हैं। कास्टिंग प्रोसेस फिल्म का 8 महीने लगा है, हमने ओवर 1800 लोगों का डेटाबेस इकट्ठा किया है। तो हाँ मतलब टिपिकल हिंदी सिनेमा नहीं है और अलग है फिल्म। कास्टिंग की अगर बात करें कौन-कौन? कास्टिंग की बात करें तो बहुत लोग हैं, मेरे को लगता नहीं आपको पता होगा उनका नाम। गीतांजलि कुलकर्णी हैं जो काफ़ी टाइम से थिएटर कर रही हैं, ट्रेंड एक्टर हैं। वीरा साथीदार हैं जिनकी ये पहली फिल्म है, वो एक पब्लिशर हैं नागपुर में रहते हैं, ये उनकी पहली फिल्म है। प्रदीप जोशी जी हैं, ये उनकी भी पहली फिल्म है। इस तरह मतलब सभी अननोन लोग हैं। हाँ एक लॉटरी लग गई है। हाँ आई गेस किसी तरह से कह सकते हैं कि लॉटरी लग गई है, बट ये देखिए जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पे आएगी रिलीज होगी पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है मैं उस पर ही सोच के बता पाऊंगा कि क्या हुआ और कैसी लॉटरी लगी है। बट जिस तरह से अवार्ड्स मिले और जो सम्मान अभी फिल्म को ऑलरेडी मिल चुका है नेशनली एंड इंटरनेशनली हम उसके लिए बहुत आभारी हैं और इस तरह की मदद से होपफुली फिल्म पे अच्छी स्पॉटलाइट आएगी और लोग जाके देखेंगे। और फिल्म बहुत फनी है, ऐसे लोग बोलते हैं ना कि फिल्म अगर इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं या फेस्टिवल्स में गई है तो लोग सोचते हैं बड़ी धीरे होगी बड़ी स्लो होगी, फिल्म बिल्कुल ऐसी नहीं है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग केसेस के बारे में भी फोकस किया गया है, जैसे घड़ी चोरी का केस या कोई स्लीवलेस टॉप पहन के आया तो वो नहीं आ सकता, इस तरह की चीज़ें काफ़ी हैं फिल्म में जो मैं सोचता हूँ बहुत फनी है एंड इट्स अ सैटायर। सो वी विल सी कि ऑडियंस को कैसे लगती है। कभी आपने सोचा था कि यहाँ पे पहुँचेगी मूवी क्योंकि आजकल पब्लिक एक्सेप्ट करेगी ऐसी चीज़ों को? हाँ जी देखिए इतना तो नहीं सोचा था कि कुछ होगा, मेरे को ये भी नहीं पता था कि फिल्म कभी रिलीज़ हो भी पाएगी, लेकिन हम इंडिपेंडेंटली खुद ही रिलीज़ कर रहे हैं इसे और जिस तरह का रिस्पांस फिल्म को मिला है और जिस तरह से फिल्म अपने आप बड़ी बन गई है एक हिसाब से फेस्टिवल सर्किट्स में जाके,
तो वो बड़ा पॉजिटिव लगा है. लेकिन हाँ, पहले उम्मीद नहीं थी कि ये इस मकाम, इस मोमेंट तक हम पहुंच पाएंगे. तो आपको क्या लगता है कि फिल्म पैसे से नहीं बनती, स्टोरी अच्छी हो तो? हाँ, नहीं, मैं बिलीव करता हूँ कि हमें कंटेंट पे कंसंट्रेट करना चाहिए. और एक सीधे करके करो से मत लेना. फिल्म को अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इसका टाइमिंग बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हमारी फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है और उसी के 2 हफ्ते पहले हमें नेशनल अवार्ड मिला और जो बेस्ट फिल्म ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला. तो ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ये फिल्म देखें. आपके किरदार की बात करें, किस तरह का किरदार है आपका? मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की का रोल कर रही हूँ, यानी सरकारी वकील हूँ. जो केस हैं, जो जो फा केस फाइल हुआ है जो फोक सिंगर है उसके अगेंस्ट, तो वो सरकार को रिप्रेजेंट करती हूँ. और एक मिडिल क्लास फैमिली की जो एक महिला है जिसकी फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है और नौकरी भी करती है, तो इस क्लास को रिप्रेजेंट करती हूँ. किरदार की बात करें, कितनी तैयारी की थी आपने किरदार के लिए? कोर्ट के हर चीज, कोर्ट कुछ भी चीजें हैं तो उसके लिए एक आर्टिस्ट तैयारियां करता है. हाँ, बहुत तैयारी की हमने, बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, काफ़ी सारे लीगल मटेरियल्स पढ़े, कोर्ट सेशंस अटेंड किए. मैंने एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फॉलो किया, दिंडोशी कोर्ट, टाउन का जो सेशन कोर्ट है, शिवडी का जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, तो हर जगह जाके कोर्ट सेशंस देखे, लीगल मटेरियल जो है वो पढ़ा, क्योंकि एक्ट क्या है, लॉ क्या है, जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब पढ़ने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि कभी मैं कोर्ट गई नहीं थी इससे पहले. तो काफ़ी ज़रूरत थी एज एन एक्टर प्रिपेयर होने के लिए, क्योंकि ये फिल्म रियल जोन की है, ना कि जो हम जनरली हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि मिलॉर्ड, मैं ये कहना चाहता हूँ, गीता की कसम खाता हूँ, ऐसा नहीं था. तो ज़्यादा ज़रूरत थी काम करने की. ये फिल्म सबके लिए मील का पत्थर हुई, आपको लेकर और भी काफी सारे लोग हैं, कुछ डायरेक्टर जिसकी पहली फिल्म है आपकी भी बॉलीवुड में डेब्यू कह सकते हैं, मराठी फिल्में हैं काफी सारी, प्ले वगैरह, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी फिल्म है क्योंकि एक एक इंडिपेंडेंट फिल्म का जो जज्बा होता है वो सब में है और सबने जी जान से कोशिश की है कुछ अलग करने की, बहुत विश्वास से कुछ चीज़ें की है. तो आई जस्ट होप कि उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिले क्योंकि 17 अप्रैल को फिल्म रिलीज़ होने वाली है, क्योंकि ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे अलग अलग कहानियाँ बताना चाहते हैं, ऐसे ऐसे किरदार पर्दे पे लाना चाहते हैं, उनको हौसला मिलेगा, उनको विश्वास होगा कि ये कहानी लोग सुनते हैं, देखते हैं. कैसी केमिस्ट्री रही है जब बात करें साथ में, जो दूसरे वकील, दो वकीलों की लड़ाई नहीं कह सकते इसमें, कसमकस है. हाँ, बिल्कुल. बहुत विवेक खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं तो उनको देखकर और कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ कि हमें काम करना है एक साथ. हमारी पूरी टीम जो थी वो नॉन एक्टर्स, नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स की टीम थी, तो नॉन एक्टर्स और नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स से भी बहुत सीखने को मिला एज एन एक्टर. उनकी जो सहजता होती है, उनका जो उनकी जो एनर्जी होती है, उससे बहुत सीखने को मिला. और एज अ ग्रुप, एज एन ऑन्सम्बल, हम लोग एक एक कोशिश कर रहे थे कि कुछ अलग करें. इट वॉज नॉट अ कमर्शियल वेंचर फॉर अस, तो बहुत उसके कारण बहुत मज़ा आया काम करते हुए. और एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे एक अलग एक्सपीरियंस आया और उसके वजह से लगा कि हमने कुछ सीखा इस प्रोसेस के दरमियान. ऐसा फिल्म का वाक्य बताएंगे जब आपको लगा हो, कोई शेयर करना चाहेंगे दर्शक के एक उषा बने करके महिला हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छा रोल निभाया है इसमें. उनको उनके साथ जब मैं सीन कर रही थी और उनकी सहजता देखकर और उनका कॉन्फिडेंस देखकर, आई वाज सरप्राइज, हैप्पीली सरप्राइज्ड. और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनका जो कोर था वो बहुत स्ट्रांग था, उनकी जो स्ट्रेंथ थी एज अ ह्यूमन बींग वो बहुत ही अमेजिंग थी. आपके साथ अगर कंपेयर अतुल जी की अगर बात करें, अतुल जी की बात करें, अतुल जी की चांदनी बार काफी मील का पत्थर और काफी हिट फिल्म रही है कि उसके गिनी चुनी फिल्मों में नाम दिया जाता है, हाँ तो कितने इंस्पायर है उस फिल्म से आप अगर बात करें, इस फिल्म को लेकर? ये भी एक
हाँ लीड से हटके फिल्म में कोई हीरो हीरोइन नहीं है इसमें भी? अतुल से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि मैंने हमेशा अतुल से बहुत सीखा है. वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरे सीनियर थे. एज एन एक्टर उनका जो डिसिप्लिन है, उनका जो टेम्परमेंट है, जिस तरह से वो रोल के बारे में सोचते हैं, जिस तरह से फिल्में सिलेक्ट करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो हमेशा मैंने उनसे सीखा है. और मुझे लगता है इसी वजह से मैं ये फिल्म सिलेक्ट कर पाई क्योंकि मैं